वेलकम बैक दोस्तों। फिट किड्स का मकसद आपको डिफरेंट फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है, और ये सब एक्टिविटीज आपकी बेटरमेंट यानी बेहतरी के लिए ही डिजाइन की गई हैं, ताकि आपको भी मिले गाइडलाइन कि आप क्या हॉबीज या एक्टिविटीज अपना सकते हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर टिल्लू। अरे मैं भी कभी गलत कहता हूँ क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर टिल्लू, आप तो हमेशा बिल्कुल सही बात करते हैं। तो बताइए, चले हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट की तरफ। ये भी कोई पूछने वाली बात है भाई, तुम्हारे नदीम अंकल का तो सब बच्चों को ही इंतजार है। तो चलिए, सो फ्रेंड्स आर यू रेडी, लेट्स गो। हाय फ्रेंड्स, चलें थोड़ी सी व्हाइट क्ले लेते हैं और बॉल बनाते हैं, और थोड़ी सी ब्लैक क्ले के साथ मिक्स करते हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। अब सिलेंडर शेप बनाएंगे। और इसका अब प्यारा सा हेड बनाएंगे। और थोड़ी सी अब डिटेल देंगे। अब इसके कान बनाएंगे। अब थोड़ी सी क्ले को रोल करेंगे और इसकी लेग्स बनाएंगे, और अब इसको ज्वाइंट कर देंगे। डॉग तो तैयार हो गया, लेकिन कुछ कमी है। लेट्स डू सम डिटेल्स। यस, ये बन गई इसकी टंग और आईज। थोड़ी कलरफुल क्ले लेंगे और मिक्स करेंगे। अब इसका प्यारा सा हेड बनाएंगे। और अब थोड़ी सी ब्लैक क्ले लेंगे और इसके ईयर्स बनाएंगे। और थोड़ी सी डिटेल देंगे। और अब व्हाइट क्ले से इसकी लेग्स बनाएंगे। वाओ, कैट इज रेडी, म्याऊ। ओहो, इसकी टेल तो रह ही गई। लड़ना बहुत बुरी बात होती है। सो इट इज रेडी टू प्ले। वाह डॉक्टर टिल्लू, नदीम अंकल जस्ट अमेजिंग। क्या क्या बनाते हैं वो जस्ट बाय यूजिंग क्ले? दैट इज ट्रूली अमेजिंग सोया। सिंपल आइडियाज जो बच्चों को ज्यादा टफ ना लगे, और बच्चे तो वैसे ही क्ले से आजकल खेलते हैं। इस सेगमेंट का मकसद भी यही है कि बच्चे सिंपल एक्टिविटीज के थ्रू अच्छे हॉबीज अपनाएं। बट अगेन वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट सोया, और वो है सफाई। क्ले में केमिकल्स भी एडेड होते हैं और कलर भी, जो हेल्थ के लिए डेंजरस भी साबित हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा ख्याल रखें कि इसको यूज करने के बाद हाथ खूब अच्छी तरह वॉश करें। यही अच्छी बात तो कुछ बच्चों को जर्म से फाइट करने की सलाहियत देगी। बिल्कुल, और डॉक्टर टिल्लू अच्छी बात ही हमारा नेक्स्ट सेगमेंट भी है, चल के देखें। क्यों नहीं भाई, आखिर अच्छे बच्चों की अच्छी बातें कोई अवॉइड कर सकता है भला? चलो भाई। तो चलिए सुनते हैं एक अच्छी सी बात।
ऐसा नहीं हो, अगर हम लेट भी उठ जाएं तो हमारी वैन मिस नहीं होगी। ये सारे काम करना बहुत अच्छी बात है। बाय। डॉक्टर टिल्लू, हम बच्चों के लिए खेल के साथ एजुकेशन भी एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि एजुकेशन के साथ फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट्स, वहीं बचपन में बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि जब हम अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं तो हमारे बड़े हमसे बहुत खुश होते हैं, विच इज गुड। ये तो है भाई। और आपको पता है, हम कुछ ऐसे ही फ्रेंड से मिलते हैं अपने सेगमेंट में जिसका नाम है विस्किट। ऐसे बच्चों से मिलकर मुझे वाकई बहुत खुशी होती है। तो जोया, आज किससे मिल रहे हैं और क्या हो रहा है? आप खुद ही चल के देखिए हमारे सेगमेंट विस्किट में। ओके, लेट्स गो देन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुसाब बिन साद है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मेरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। मेरी एक सबसे पसंदीदा हॉबी कॉइन कलेक्टिंग है। मेरे अब्बू उसमें मुझे बहुत हेल्प करते हैं। मेरे अब्बू जब बाहर जाते हैं तो जो भी जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ के सिक्के मुझे ज़रूर ला के देते हैं, और मेरे पास नोट्स भी हैं उनके। मेरे मामू भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहते हैं उनका, तो वो जो है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉइन्स ला के देते हैं। उसकी वजह से मेरी एक कॉइन बुक भी है, वो पूरी फुल हो गई है। मेरी दूसरी सबसे पसंदीदा हॉबी कराटे है। वहाँ पर मेरे अब्बू के एक दोस्त के बेटे जाते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम भी वहाँ, बहुत मज़ा आता है। तो फिर उन्होंने वो हमें भी लेकर गए और मेरे अब्बू ने मुझे एडमिशन करा दिया। अभी तक मैंने डबल स्टिक सीखी है और मुझे बहुत अच्छी आती है। मैं ब्लू बेल्ट हूँ और आगे भी इंशाल्लाह ब्लैक बेल्ट करूँगा। मेरी जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा हॉबी है वो है रोबोट मेकिंग। मेरे मामू ने बताया कि इस नस्ट में एक कंपटीशन हो रहा है, तो मेरे अब्बू ने कहा तुम भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करो। और फिर मैंने अपनी क्लास टीचर को जाके बताया, तो उन्होंने कहा कि जो इसके साथ चाहे कर ले। तो फिर मेरे दो दोस्तों ने उसके अंदर हिस्सा लिया, एक रैयान और एक हसन। वो दोनों, उन लोगों को भी मेरी तरह नेचुरली बहुत पहले से रोबोट का शौक़ है। मेरे मामू ये किट मलेशिया से लेकर आए थे जब हमें ये कंपटीशन वो करना था, स्टार्ट करना था। अब हमने इस रोबोट को इस तरह का बना लिया है, आप देख रहे हैं जैसे। और ये एक हमारा जो कंपटीशन है उसमें बेसिकली हमें एक अरीना के थ्रू गुजारना है और एक गोल्फ बॉल पॉट करवानी है, तो उसकी प्रोग्रामिंग की हुई हमने। और अब हम इंशाल्लाह 11 को इस्लामाबाद जा रहे हैं और वहाँ पर बाकी उसे बिल्कुल परफेक्ट करके फिर 23 को कॉम्पटिशन में करेंगे। और मेरे मामू ने भी बहुत इसके अंदर हेल्प किया और मेरे पेरेंट्स ने भी। ये रोबोट ये सीधा जाए और उसके सामने कोई चीज़ आए जो उसे देखेगा, उसे सेंस करेगा, फिर उसे लेफ्ट टर्न की तरफ मुड़ जाएगा और फिर सीधा जाएगा। इसी तरह वो करता रहेगा। आखिर में जब आखिरी टर्न होगा, आखिरी टर्न पे जाके वो अपने टच सेंसर्स को ऑन करेगा। वो जब तक दोनों बम्प होंगे किसी बॉक्स पर तो गोल्फ बॉल पॉप कर देगा। मुझे कुरान पढ़ने का भी बहुत शौक़ है। मैंने कुरान एक दफ़ा ख़त्म किया है और अब मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। मेरे 3 पारे हो चुके हैं, तबारक अल्लज़ी, अम्मा और कद समी अल्लाह। ज़्यादातर मेरा ध्यान एजुकेशन के अंदर मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़ में है। ये तीनों मेरे बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं। साइंस के अंदर भी मिल जुल के यही रोबोट बनाया है, और मेरे मैथ्स में एक इंटरनेशनल कंपटीशन में मुझे ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था। तो ब्रॉन्ज मेडल मुझे बहुत मेहनत से मिला था। 1 साल कॉम्पीट किया, फिर हारा, फिर दूसरे साल किया, तब वो जाके मिला। और मेरे मैथ्स में हमेशा अच्छे आते हैं, इस दफ़ा भी 98 आए हैं। मैं आप लोगों से भी यही कहता हूँ कि आप लोग भी एक काम किया करें, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उसे पूरा करने की कोशिश करें। जब तक वो पूरा नहीं होता कोई दूसरा काम ना करें, करें मगर उस दोनों में ध्यान दें। अगर आप दोनों में नहीं दे सकते तो एक को पूरा करें। और मेरी तरह अगर आपको वाइज बनना है तो फिर आप जो है अपनी डाइट का भी ख्याल रखा करें और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ किया करें जिससे आपकी हेल्थ बहुत बेहतरीन हो जाए।
हाँ जोया, ये तो बहुत अच्छा सेगमेंट था। ये सब बच्चों की एक्टिविटीज देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब ये तो बताओ कि आगे कौन सा सेगमेंट है? वही सेगमेंट जिसमें हमें हमारे फ्रेंड्स उनके स्पेशल ओकेजन की वीडियोस और पिक्चर्स सेंड करते हैं। अरे याद आया, एक दिन। जी बिल्कुल सही समझे आप। जोया, ये कितना प्यारा सेगमेंट है ना, सो स्वीट एंड क्यूट। जी बिल्कुल, और हमारा आज का सेगमेंट भी एज यूजुअल इतना ही प्यारा है। सो फ्रेंड्स, आर यू रेडी फॉर आवर टुडेस सेगमेंट? तो चलिए चलकर देखते हैं। पिछले साल आमना ने अपने वालदैन और बहन भाइयों के साथ पाकिस्तान के तारीखी शहर लाहौर की सैर की। लाहौर का तफरीही सफर आमना के लिए बहुत यादगार रहा। आमना ने लाहौर के तारीखी मकामात की सैर की, जिनमें मीनार पाकिस्तान, वाघा बॉर्डर, लाहौर म्यूजियम सरे फहरिस्त है। आमना ने इन मशहूर तारीखी मकामात की सैर के अलावा उन लोगों की तारीख भी पढ़ी जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में अनथक मेहनत की थी। आमना ने लाहौर में ना सिर्फ अपनी फैमिली के साथ खूब मजे किए बल्कि अपनी मालूमात में इजाफा भी किया। जोया, तुम बिल्कुल कुछ ना कहना, ये बॉल तो मैं ही दूंगा। ओके भाई, ओके डॉक्टर टिल्लू, प्लीज गो अहेड। इस मजेदार से सेगमेंट के बाद आप बच्चे ले एक ब्रेक, और हाँ, आप भी अपने पिक्स या वीडियोस अपनी स्टोरी के साथ भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, जो है fitkids@health-tv.tv। सो बच्चों, डोंट टेक लॉन्ग, बस हम आ रहे हैं फौरन इस ब्रेक के बाद।